हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर के आ रहे हैं अयोध्या गाइस। सुबह सुबह उठ करके आप बाहर निकलो और आपके बाहर यू नो एक लैम्बो खड़ी हो तो क्या ही जिंदगी चल रही होती है भाई। आपकी शादी हो रही है तो ये क्यों बोलो लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ते आप? शादी तो हो चुकी है तो लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? दूसरा मोह So, hey guys, good morning. Welcome back to the new episode. इस vlog की शुरुआत हो रही है दिल्ली से guys. And the thing is, we just woke up. आज मैं आपको बता देता हूँ, ये दिन बहुत amazing शुरू हो रहा है because आज हमारी शुरुआत हो रही है हमारी Lamborghini से. वो चेक कर रहे हो हर्ष क्या खड़ी है बाहर? कभी कभी तो यकीन भी नहीं होता ब्रो की we bought this car. सुबह सुबह उठ करके आप बाहर निकलो और आपके बाहर यू नो एक लैम्बो खड़ी हो तो क्या ही जिंदगी चल रही होती है। कहां से शुरू करा था जब गैराज में कुछ भी नहीं था और आज लैम्बो खड़ी अपने गैराज में एंड इतनी अच्छी नींद आई ना, बहुत टाइम बाद मैं प्रॉपर अच्छे से सो पाया हूँ। जब आपके गैराज में एक लैम्बो खड़ी हो तो नींद डेफिनेटली बहुत अच्छी आती है। फिलहाल मैं आपको चीज बता देता हूँ गाइस, इसका ना हम लोगों ने जीरो डेप इंश्योरेंस कराना है। जीरो डेप इंश्योरेंस इसलिए कराना है बिकॉज ये बहुत महंगा सौदा है। अगर इधर उधर कुछ भी हल्का फुल्का डेंट डूंट भी पड़ा तो कम से कम 2-3 लाख रुपए का खर्चा तो डेफिनेटली है। घर भी जाएगा घर जाएगा ब्रो अगर कुछ भी हो गया तो। हमने कहा पहले इसकी जीरो डेप इंश्योरेंस कराओ और इसकी जीरो डेप इंश्योरेंस हो रही है ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए की। गाड़ी भी एक्चुअली थोड़ी सी कॉस्टली है तो उसका इंश्योरेंस भी बहुत महंगा होगा। अब तक मेरे पास लैम्बोस दी ओनली गाड़ी जिसका इंश्योरेंस सबसे महंगा है, तो जो इंश्योरेंस वाले भैया थे ना वो आ चुके हैं गाइस इंश्योरेंस करने के लिए। अपनी लैम्बो को भी हम लोगों को बाहर निकालने हैं बिकॉज फोटोज होंगी, तो फटाफट लैम्बो को बाहर निकालते हैं। मैंने कहा सुबह कितनी हसीन होती है ना जब आप बाहर निकलो और आपकी ड्रीम सामने खड़ा हो और आपका ड्रीम सामने खड़ा हो कल, तो देखते हो तो। कल लग रहा था तुम्हें कि लैम्बो आ रही है, आज वो हो रहा है हाँ लैम्बो आ गई। मैं तो सुबह उठ करके सच्ची में पहले पिंच कर रहा था, खरीद बाहर खड़ी है क्या बाहर ये लैम्बोर्गिनी बाहर खड़ी है क्या? ओहो कैसी लग रही है आपको अपनी नई सुबह? कितने बड़े भी बन जाओ चप्पल में लैम्बोस, यही तो स्वाग होता है देसी बॉयज का। बस लेनी पिंडी बॉयज चप्पल में लैम्बो स्टार्ट कर रहे गाइस, अच्छा लग रहा है। लेकिन ओके यार, तो हम लोगों ने लैम्बो निकाल दी अपनी बाहर। चेक दिस आउट, अभी लैम्बो की ना 360 डिग्री फोटोज हो रही हैं बिकॉज ये इंश्योरेंस के टाइम बहुत नेसेसरी होती हैं। एंड हम लोगों ने इसका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस कराया बिकॉज मेरे पास पेट्रोल पंप नहीं है ना भाई, या तो पेट्रोल पंप खरीद लो या तो लैम्बो ही खरीद। पेट्रोल से धोले इसको तेरे पहले पेट्रोल पंप से पेट्रोल से धोएंगे वो चाहिए पॉलिश करेंगे। और एक सच्चाई मैं आप लोगों को और बता दूं कि लोग बोलते हैं कि लैम्बो का एवरेज एक दो की एवरेज नहीं है। कल जितना मैंने चलाया उसमें मेरे हिसाब से 4 की तो एवरेज दे रही है, लीस्ट 4-5 की। बाकी मैंने हाईवे पे इतना ज्यादा खींचा नहीं है। एंड हम लोग सीधा डिलीवरी के बाद ना एयरबीएनबी में आ गए थे, चाहे एक का भी थे दो की भी थे अब तो ले ली बस। इसे हम लोग सीधा शोरूम से एयरबीएनबी में लेकर के आ गए थे बिकॉज विदाउट इंश्योरेंस इसको चलाना बहुत खतरनाक रिस्क फैक्टर है। एक बार इंश्योरेंस हो जाए फिर तो आपको उसकी टॉप स्पीड भी चेक कराएंगे। अरे आओ यार, आप क्या क्यों शर्मा रहे हो? भैया बोल रहे हैं मुझे मार्केट जाने में। भैया बताओ मैं लैम्बो में चलना, तुम आपको लैम्बो में शॉपिंग करा करके आते हैं। ओके लैम्बो का इंश्योरेंस फाइनली हो चुका है एंड द थिंग इज एक्टिव भी हो चुका है। अब हम अपनी लैम्बो लेकर के कहीं पर भी जा सकते हैं गाइस, बल्ले बल्ले अब हम लोग घुमा सकते हैं। पहली ट्रिप हो रही है श्री राम जी के पास गाइस। जय श्री राम। हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर के आ रहे हैं अयोध्या गाइस, और तुम लोग भी जा रहे हो मेरे साथ। हम तो जाएंगे ये जो दोस्ती वाली जिंदगी हम लोग जी रहे ना, हमारे माँ बाप ने भी हमें डिसोन कर दिया गाइस, फोन ही नहीं करते। हर्ष की मम्मी ना हर्ष की AI वर्जन से बात करती है।
मैं तो ये तो चली गई जाते कपड़े। एक लड़की है हमारी कोई नहीं। तुम्हारी तो बहन है ना बहन। हां कोई नहीं। फिलहाल के लिए मेरा भी एक इंटरव्यू गाइस, वो मैं देने निकल रहा हूं। हर्ष और भव्या नहीं जा रहे बिकॉज इन्हें एक और मीटिंग के लिए काम करना है घर पे। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। लैम्बो यहां पर खड़ी है, हाइलेक्स पीछे खड़ी है। दोनों को बाहर निकालते हैं और चलते हैं गाइस इंटरव्यू के लिए। लेट्स गो। गड्डियां ऊंचियां रखियां। क्या एक्साइटमेंट है ना ब्रो। केंदी हुंदी सी चंद तकरा बना दे तारे ने पसंद मेनू बेटा साले आते ओ ना तारे आते विच जद मेनू वेखेगी मेरी याद जद आऊगी तो पता लगूगा। वो तो चली गई। भाई साहब लैम्बो के जो रोड रिएक्शन है वो बहुत ऊंची है। आ जाओ नीटू भैया रेस करते हैं। बस थोड़ा सेफ्टी लेकर के जाना पड़ेगा अभी क्योंकि ना अभी नई नई पावर है लैम्बो में, ना बहुत पावर है गाइस। एंड आपने वो सुना होगा विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा सा आराम से रखते हैं अभी हाथ, बट जब आपके हाथ में लैम्बो रहती है ना तो आपके हाथ तो आराम से रहते हैं बट आपके पैर कंट्रोल नहीं होते। Boys, we are done with the interview. And मैं आपको मिलाता हूँ आशिमा से और हमारे निगी भाई से। ये प्रोड्यूसर है भाई, मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, एकदम भयंकर भाई। बट ये प्रोड्यूसर छोड़ दो, बात है पहाड़ी भाई। पहाड़ी भाई मेरे को बोलते हैं कि ना आप जब इंटरव्यू में भयंकर भयंकर बोले तो एकदम फीलिंग आ रही थी। ट्रू पहाड़ी से है। बट ऑल्सो अनुराग भाई की ईजा को मेरी तरफ से प्रणाम। बट इट वॉज एन अमेजिंग इंटरव्यू, मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इन्हें मेरे को बोलना चाहिए था बट मैंने काउंटर करा। इट वॉज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन एंड बहुत सारे मिथ्स टूटे हैं इस इंटरव्यू में, बहुत सारी बातें डिकोड हुई हैं। बट गोट तो यार आप, यू आर द एक्चुअल गोट। थैंक यू, मजा ही आ गया। ओके बॉयज, हम लोग निकल चुके हैं इंटरव्यू को देकर के और ये चेक करो अभी हम लोग अंडर पास में। हमारे जो भाई है जो हमारे केयर टेक कर रहे हैं, ये हमारे भाई जो हमें हमारा ध्यान रखने हैं। भाई क्या नाम है आपका? शंकर। और ये है गाइस, कहाँ से भाई आप? बिहार से। इन्हें ना हम लैम्बो की राइड देने जा रहे हैं और इनको एक मस्त सी राइड देकर, रास्ते पता है ना आपको, हम सिक्योरिटी के बिना जा रहे हैं। सच्ची डर नहीं है ना? पक्का चलो। कैसा लगा? अपनी गर्लफ्रेंड को भेज देना नहीं है ही नहीं। पकड़े गए यहाँ पर आप? जी क्यों बोला फिर आपने पहले? वो गलती तो बोल दिया ना। इतने हैंडसम हो यार आप, फिर आपकी गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है? नहीं मेरे पास है ही नहीं, सब चक्करों में पड़ता ही नहीं मैं, मतलब स्टार्ट सिग्मा मेल। फिर कौन से चक्कर में पड़ते हो? अपनी मस्ती में रहते बस। अच्छा ये तो बताओ अपनी मस्ती कैसे करते हो आप? दोस्तों के साथ ही सिर्फ रहते हैं। दोस्तों के साथ ही मस्ती करते हो? भाई हमारा बिहार से, अगर कोई भी बिहार से देख रहा है तो शादी शुदी का प्लान है? शादी हो रखी है। शादी हो रही है तो फिर क्यों बोल रहे हो गर्लफ्रेंड नहीं है?
भाई आपकी शादी हो रही है तो ये क्यों बोलो लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ते आप? तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, तुम्हें लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? दूसरा मोहे मोहे ये तो मोहे मोहे था। अभी कितने साल के भाई आप? 32 का। भाई साहब, भाई 32 साल का कैसे हो सकता है? अंकल जी चाय बना देना भाई। यार भाई आप तो बहुत बड़े हो उनसे। और ये तो बताओ बीवी वो बीवी तो है मतलब बच्चे जी? कितने बच्चे? दो। देख हर्ष मोए मोए तू मर जा ब्रो। मैं क्यों मर जाऊं? अभी तो मैं 25-26 साल का हूँ भाई। भाई तू देख कितना यंग। मैं सोचता था कि भाई 18 साल का होगा अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई भाई जब 100 साल का भी होगा ना तो भी ऐसे लगेगा, तब तब वो हमारे जितना लगेगा भाई। मुझे तो अब ये मत बोलना कि मैं मेरा नहीं है कोई, मतलब मैं अकेले रहता हूँ मेरी मस्ती में। फिर